वैसे इसका क्या नाम है नहीं पता. ओके अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके हाँ. बताएं मुझे. हाँ आपको पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा. क्या हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल. जहाँ से ब्लॉग खत्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ. अभी फिलहाल तो ये तिब्बत किचन में खाने आता हूँ. क्या क्या खाऊंगा वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊंगा. आज शम्मा का काम मैं करूँगा. मैंने ना ऑर्डर किया है चिकन लॉलीपॉप 4 पीस, क्योंकि 2 पीस मैं खाऊँगा और 2 पीस सामने वाला बंदा खाएगा, जो सामने वाला जो आ रहा है वो. और ऑर्डर किया है सेजवान चिकन चाउमीन. तो चाउमीन भी खाना था मेरे को, बहुत दिन से खाए नहीं है नूडल्स, तो चिकन भी खाना था तो मैंने उसको, और तीखा भी खाना था तो मैंने सेजवान चिकन चाउमीन ऑर्डर किया है. बाकी एक कोल्ड ड्रिंक लूँगा वो खाते खाते लूँगा. और बाकी यहाँ की यहाँ थोड़ा परमिशन ले लेता हूँ शूट करने के लिए, उसके बाद ही थोड़ा सा मैं आप लोगों को बाहर का दिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ. तो अगर मैं कंफर्टेबल नहीं होता हूँ तो मैं यहाँ डायरेक्ट पूछ लेता हूँ रेस्टोरेंट में या होटल में कि यहाँ शूट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ. और अगर वो परमिट कर देते हैं तो एकदम खुल के शूट करो फिर. अरे चिकन चाउमीन ना बहुत ज़्यादा ही सुंदर दिख रहा है, तो ज़्यादा शूट नहीं करते हैं, पहले खा लेते हैं. ठीक है, अब बहुत तेज भूख लग रही है. और मैंने मंगाया है एक्चुअली ना ये चिकन चाउमीन खाया तो ना बहुत तीखा लग रहा था. तुमने सोचा इतना तीखा क्यों बनाए ये लोग, फिर याद आया कि मैंने ही सेजवान चिकन ऑर्डर किया है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है, काफ़ी तीखा है और टेस्ट अच्छा है. साथ में ये चिकन लॉलीपॉप है, बस मैंने ट्राई नहीं किया है. और साथ में माजा एक्चुअली मैं हमेशा ऑर्डर करता हूँ, तो एक्चुअली मैं जिसका वेट कर रहा था वो यहाँ आ चुके हैं. मेरे ऑर्डर आ चुका है, मैं आधा खा भी चुका हूँ और ये अभी आ रहा है. अब हम पूरा खाएंगे. तू ही पूरा खाएगा? मैं खा के आया. और कुछ ऑर्डर करेगा? और कुछ ऑर्डर करेगा? नहीं नहीं, मोमोज खा लो, मोमोज अच्छा है. अच्छा, मोमोज शाम को खाएंगे शूट के बाद. पक्का डन, खत्म करो जल्दी. अरे यार मैं खा के आऊँ, मैं ये खा लूँगा, चलेंगे फिर. क्या मतलब फिर? तो मेरा लंच हो गया, लंच काफ़ी हैवी हो गया, बहुत ज़्यादा तीखा था, बट विशाल आया और उसने संभाल लिया, ये तो मैं तो पूरा ख़त्म ही नहीं कर पाता. लंच हुआ जैसे तैसे, पेट भर गया है, अब जाते हैं लोकेशन पे. थोड़ा शाम का शूट था तो वैसे कल मैनपाट में प्री वेडिंग है, मतलब ये ब्लॉग जब आ रहा है पता नहीं कब आ रहा है ये ब्लॉग, तो कल मेरे लिए तो कल मैनपाट पे शूट है. तो अभी जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ कुछ पता करने के लिए मार्केट. तो हम लोग अभी यहाँ शूट के लिए आए थे, कुछ कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे निकालनी है कपल्स की, तो कपल आ रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा सा शूट करेंगे, उसके बाद बाकी शूट कल मैनपाट में. इन्हीं लोगों का ब्लॉगिंग करो, इन्हीं लोग दिखते हैं आज. एक्चुअली आज मैं इनको ब्लॉग में नहीं ले रहा हूँ, कल जब हम लोग मैनपाट जाएंगे ना तब इन लोगों को ब्लॉग में लूँगा. अभी सब डरे मरे भाग रहे हैं इधर उधर, तो आज का शूट तो ऐसे खत्म हो गया, कल लेते हैं इनको ब्लॉग में. 2 सेकेंड. तो ये है पिंकी और वो है विशाल और ये हूँ मैं, और आज हम लोग यहाँ रुक रहे हैं. और आज बहुत ठंड है अंबिकापुर में, बहुत ठंड है और वाट लग जा रही है, सर्दी वर्दी हो जा रही है, मेरा सर दर्द हो रहा है. अब जाके नहाना है और सो जाना है. अब पिंकी हमारी क्या कर रही है? अंडा, एग करी बनाने वाली हूँ मैं. तो आज हम एग करी खाने वाले हैं. और गाइस ये मेरे ब्लॉग में पहली बार एक दो बारी आ रही है, तो मैं बता दूँ कि ये हम लोग ने स्कूलिंग साथ में किया हुआ है, लेकिन अलग अलग स्कूल बट सेम क्लास में. तो हम लोग संडे स्कूल से साथ में हैं. संडे स्कूल मीन्स कि 11th क्लास से. 10th में नहीं यार, 10th में 11th क्लास, 12th. तो हम लोग 12th क्लास से साथ में हैं, अलग अलग स्कूल में, बट चर्च एक था, तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं संडे स्कूल से. और क्या बताऊँ, और ये बचपन से मेरे को जानती है कि मैं कैसा हूँ, और आज तक मैं वैसे ही हूँ ना, चेंज हो गया? मैं चाय बना के पिलाता था, अब उल्टा हो गया कि ये बना रही है. बस
चलो अब मैं जाता हूँ नहाने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी लोग। और अंबिकापुर में एकदम तड़कती भड़कती वाली ठंड है एकदम। मतलब अभी ना मेरे हाथ ऐसे हो गए हैं कि जैसे शिमला में था तो ऐसा हाथ जम जा रहे थे ना, वैसा वाला सीन हो रहा है। एकदम शिमला वाली ठंड पड़ रही है अंबिकापुर में, बस बर्फ़ गिरने की देरी है। फिलहाल तो रेडी हो गया हूँ और अभी निकल रहा हूँ शूट के लिए। मैनपाट जा रहा हूँ, वहाँ तो और ज़्यादा ठंड होगी बट दोपहर में थोड़ी कम रहेगी। वहाँ पे सुबह सुबह अगर वहाँ पहुँचते या शाम को, हाँ शाम हो जाएगी वहाँ पे, रात हो जाएगी तो तब तो बहुत ज़्यादा ही ठंड लगने वाली है। बाकी अभी अंबिकापुर का देखा है तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है। और धुआं भी दिखा क्या आप लोगों को, मुँह से धुआँ निकल रहा है, बहुत ठंड है। थोड़ा सा दिक्कत ये हो गया कि कल का जो मैंने व्लॉग पूरा एडिट किया हुआ था उसमें से कुछ फुटेज करप्ट हो गया, वो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। नहीं तो अभी टाइम पे मैं व्लॉग डाल देता और इसी वजह से मैं टाइम से व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ। तो अभी फिर ये वाला व्लॉग मैं इसी व्लॉग में ऐड कर रहा हूँ कल के व्लॉग में। और अभी हम लोग आ गए हैं मैनपाट शूट करने के लिए और अभी जाते हैं एक अच्छी सी जगह जहाँ पे अच्छा सा लोकेशन दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, तो वो दिखाता हूँ पहले। उसके बाद जो पहला लोकेशन है वो इसी में रहेगा, बाकी जितने भी लोकेशन रहेंगे वो अगले व्लॉग में आएगा, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं पहले लोकेशन पे। अरे तो इन लोगों का सामान उठ दे, मैं पकड़ ही इतना बड़ा इधर देखो। तो ये हमारे आज के हीरो हैं, तो आज इनका शूट हो रहा है प्री वेडिंग। कैसा लग रहा है आपको, क्या बताएं कैसा लग रहा है, बयान नहीं कर सकते। काफी अच्छा लग रहा है। ओके, बाकी फर्स्ट टाइम है, सबका फर्स्ट टाइम ही होता है यार, फर्स्ट टाइम लास्ट ही होता है। तो अभी जा रहे हैं सेकंड लोकेशन, सेकंड क्या फर्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। यहाँ का लोकेशन मजा नहीं आया तो हम लोग दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं अभी। फोटो इन दोनों का ले ले बोल रहा है। तो ये है मैनपाट का सुंदर सा जगह, क्या बोलते हैं इसको, चीड़। हाँ, नहीं पता, बताओ अच्छे से। अरे यार नहीं पता, सच में नहीं पता। वैसे इसका क्या नाम है नहीं पता। ओके, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके हाँ, बताएं मुझे। हाँ, आपको पता होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। पाइन ट्री ऐसा शायद, है ना, सही पकड़े हैं या सही पकड़े हैं। पहले बता देते ना, मैं भी बता देती। चलो ना, तो ये था हमारा पहला लोकेशन और आज का व्लॉग यहीं तक ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को अभी जस्ट एडिट भी करना है, ड्रेस चेंज करेंगे और मैं व्लॉग एडिट करूंगा। तो बस फोटोशूट तो उनका होगा, अपन क्या करेंगे, और थोड़ा पिकनिक। एक्चुअली फोटोशूट तो उनका होगा और बाकी लोग यहाँ पिकनिक बनाने के लिए आए हैं, बहुत सारे सामान वामान लेके आए हैं। तो अभी यहाँ पे सेटअप हो रहा है शूट के लिए, रेडी कर रहे हैं कैमरा वैमरा, लाइट वाइट, लेंस फन, दुनियादारी, लहसुन अदरक। तो मैं अपना मेमोरी कार्ड भूल गया हूँ कार में, तो मैं जा रहा हूँ वापस कार मेमोरी कार्ड लेने के लिए, जल्दी जल्दी जल्दी। एक्चुअली कल ना जो कम से कम पूरा आधा ब्लॉक का डाटा करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, क्या ही बोलूँ मैं, तो उसमें काफ़ी अच्छे मोमेंट्स थे पिंकी के साथ, खाना बांटने वाला, लड़ने वाला, बट वो डिलीट हो गया तो बहुत बुरा बुरा लग रहा है। बट कोई नहीं, होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो वो फुटेज डिलीट हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं। इसलिए आज का व्लॉग आधा मैं इसमें शिफ्ट कर रहा हूँ और इस लोकेशन के बाद का व्लॉग अगले व्लॉग में आएगा। ऊपर ये थोड़ा सा घाट है जिसमें चढ़ रहा था तो बहुत दम लगाना पड़ रहा था, और उतरता हूँ तो ऐसा लगता है कि पीछे तो कोई धक्का दे रहा है। टाइम निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। चलो चलो चलो, पहला लोकेशन खत्म और आज का ब्लॉगिंग खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में हूँ क्योंकि इसको एडिट भी करना है और अपलोड भी करना है, पुरानी नेटवर्क होगा कि नहीं होगा। अभी जाना है फिश पॉइंट, बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय। बाकी जितना भी शूट है वो अगले व्लॉग में मिलेगा आप लोगों को, बाय 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 बाय।